जी नमस्कार। देखिए, अभी तक आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि ग्वालियर में जो हमारे समाज के एक व्यक्ति हैं जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आप सबको उनके बारे में पता होगा और ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचा है तो शायद आपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से आप अभी तक जुड़े नहीं हैं, और अगर जुड़े हैं तब भी नहीं पहुँचा तो मैं इस वीडियो में वो सारी बातें बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर करके आपको बताऊंगा कि दरअसल हुआ क्या है। देखिए, अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे और पंचायत के चुनाव हुए, उनके नतीजे आए, और नतीजों में अक्सर होता ये है कि एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हार जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन जो पक्ष जीता उसने अपने जीत की खुशी में, जश्न में, दूसरे पक्ष को गोली मार दी। और बड़े दुख की बात है कि वो दूसरा पक्ष हमारे समाज से आते हैं, गडरिया समाज के थे। देखिए, घटना जो है ग्वालियर की थी, ग्वालियर के डबरा जनपद के आजमगढ़ पंचायत, अजयगढ़ पंचायत में की घटना है। गाजापुर गांव है, वहां की एक प्रत्याशी हैं प्रेमाबाई गुर्जर, और दूसरे जो प्रत्याशी हैं बघेल परिवार, यानी बघेल। तो बघेल परिवार से जो थी वो शकुंतला बघेल थी, सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, इस बार महिला सीट थी तो दोनों पक्षों से महिला उम्मीदवार खड़ी हुई थी। अब बात ऐसा हुआ कि जो प्रेमाबाई गुर्जर हैं और बघेल परिवार हैं, इन दोनों के बीच में शुरू से ही वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी होती रही है। और इस बार ऐसा हुआ कि जब इस चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसमें प्रेमाबाई गुर्जर 400 वोट से चुनाव जीतकर सरपंच बन गई, और घर वाले इस जीत की खुशी में जो विपक्ष की पार्टी थी यानी बघेल परिवार के शकुंतला बघेल, उनके घर के सामने से डीजे पर शोर मचाते हुए और कई सारे लोग दबंग तरीके से आते हुए और घर के सामने जश्न मनाते हुए और अभद्र टाइप की टिप्पणियां कर करते हैं। भाई साहब, कोई भी इंसान होगा जिसके घर के सामने आप इस तरीके से टिप्पणी करोगे उसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब शकुंतला बघेल के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने गोली से उनके सर पर वार कर दी, और मौके पर ही उनके जो सरपंच की, जो शकुंतला बघेल की जो एक भांजे थे, उनको गोली मार दी, और गोली मारने पर उनकी मौत हो गई। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग गए, और भागते समय वो धमकी दिए कि गांव खाली करके चले जाना, और धमकी वो दिए और गांव दरअसल वो खुद खाली करके भाग गए हैं। अभी वो उनकी पूरा घर जो है खाली पड़ा है, उनके घर में कोई है नहीं, ताला लगा है, उनको डर है कि जो हमने गोली मारी है दूसरा पक्ष भी बिल्कुल ऐसा ही बदला लेगा और हमारे परिवार के भी एक दो सदस्य को ऐसे गोली मारकर हत्या कर देगा। तो इसका डर उन सबको है। और देखिए, जब कोई एक परिवार के किसी भी व्यक्ति के, अपने परिवार में किसी का मर्डर हो जाता, हत्या हो जाता है, तो वह परिवार किसी भी हद तक आगे जा सकता है। इसी डर से वो सारे लोग भाग गए हैं, और गांव में पूरा सनसनी फैला हुआ है कि बघेल परिवार कुछ भी कर सकता है। तो इसी को देखते हुए वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, और पुलिस बल गुस्साए लोगों पर उनको समझा रहा है, मृतक परिवार को, कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा जिससे कि दूसरे पक्ष को मर्डर करो जाके आप। अब देखिए, ये सारी घटना हुई है तो जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम था, उनका नाम रामवीर बघेल है, 25 साल के थे, उनको बहुत प्यार से लोग कालू कहा करते थे। उनकी मृत्यु हुई है तो प्रजन उन्हें, जब उनको गोली लगी तो उनको डबरा सिविल अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के लोग और गांव के सभी परिवार के वाले, अपने समाज के लोग इकट्ठा हुए और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने रामवीर के शव को लेकर, वो उसको शमशान घाट पर नहीं ले गए, उसको ले जाकर हाईवे है एक सिमरिया टिकरी, वहाँ हाईवे पर उन्होंने जाम वहाँ पर रख कर जाम लगा दिया, और कुछ देर में वहाँ दूर दूर तक वाहनों की लाइन लग गई।
तकरीबन रात 8 बजे तक वहाँ पर जाम की हालात थे। उसके बाद पुलिस आई और उस समझाया, उसके बाद उस हालात पाया और जाम से थोड़ा निजात उनको मिला। देखिए, इसके बाद भाई, मृतक के जो भाई था, उनका आरोप है कि दूसरे पक्ष ने घर में घुसकर उनके भाई की हत्या कर दी है। अब उन लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्य को गोली मार दी है। अब वह हमारे इस मामले को दबाने के लिए झूठा मामला क्रास में दर्ज कराना चाहते हैं। तो जो मृतक के भाई हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो जिन्होंने गोली मारी है वो हमारे घर में आकर हमारे भाई को गोली मारी है, और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये जो गोली है वो हमने नहीं मारी है, बल्कि हमारे एक परिवार को बहुत सारी चोटें आई हैं। वो खुद इन पर आरोप लगा रहे हैं। अब गांव में तनाव है, पुलिस बल तैनात है, और राकेश बघेल जो उनके भाई हैं रामदेव बघेल के, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। राकेश बघेल का शिकायत है कि अरविंद गुर्जर, प्रेम सिंह गुर्जर, राम नरेश गुर्जर, भगवान सिंह गुर्जर, मोनू गुर्जर और दो अन्य पर हत्या का मामला दर्ज है, और आर्म्स एक्ट के तहत अन्य धाराओं पर कई सारे मामलों में मुकदमा की गई है। अब एक बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि भाई साहब, जब चुनाव हो रहे थे तो आप सबको पता होगा कि चुनाव के समय जो हथियार होते हैं, बंदूक होते हैं, जितने भी लाइसेंसी बंदूक वगैरह होते हैं, सब जमा हो जाते हैं। तो जब जमा हो गए तो ये सारे हथियार आए कहाँ से? क्या पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या पुलिस ऐसे लोगों को छूट देती है, क्या पुलिस गुंडों को पालती है? मृतक पक्ष का ये आरोप है कि ऐसे हथियार आए कहाँ से, और अगर ये लाइसेंसी हथियार नहीं है तो भाई साहब, पुलिस इन सब पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता, और इनको पकड़ो और कड़ी से कड़ी सज़ा दो, और जिन्होंने गोली मारी है उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो रामवीर बघेल के भाई राजेश बघेल मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई मेरे आपसे एक अपील है कि आप अपना पैर पीछे मत खींचना। जहाँ भी आपका पैर डगमगाएगा, ये समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये सारे लोग आपके साथ ही हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझना। और चाहे ये लोग मेरा साथ दें या ना दें, मैं और ये चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएँ, क्योंकि अभी अपने समाज के बहुत सारे लोग को इस केस के बारे में पता ही नहीं है, और मुझे विश्वास है जब उनको पता चलेगा तो वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और देखिए, आपका ये केस जो है ना, आपके पक्ष में जाएगा, आप केस अच्छे से लड़ना, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, और जो आपने एक भाई अपना खोया है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से उनको मिलेगा, क्योंकि समाज आपके साथ है। और भाइयों, आप सब इनके साथ ऐसे ही खड़े रहिए और इनका सपोर्ट करिए, और कमेंट सेक्शन में लिखकर इनको बता दीजिए कि आप इनके साथ हैं या नहीं हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप इनके साथ हैं। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को फैलाइए, और उनको बताइए कि आपके समाज के एक व्यक्ति को इस समाज की ज़रूरत है। जय कटिया।